गुजर सारा इकट्ठा हो जाएगा जी, पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा। जवाब उन तरीके से देंगे हम, सारे गुजर एक होंगे, अभी तो मीटिंग होगी चुनाव के बाद में, फिर हम देंगे जवाब इस बात को। धरना देना तो कहीं रामलीला मैदान में जाओ, कहीं खुले पार्क में जाओ, रोड को जाम ना करे। अपने इंडिया में हम आतंकवादी हो गए, वो आतंकवादी तो वो लोग हैं जो एक महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त गांव दल्लूपुरा में पहुंचा हूं, वही दल्लूपुरा जहां के रहने वाले हैं कपिल गुर्जर, और उन्हीं से बातचीत करेंगे, इस गांव में लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अब कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है कि वो आतंकवादी है। ऐसे में ये क्या हो रहा है और जनता दल्लूपुरा गाँव की क्या सोचती है, इसी पर जनता से बात करेंगे, आइए मेरे साथ। तो आइए, गुजरों के पास हम पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, जिस तरीके से कपिल गुर्जर के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है और ये कितनी सही है राजनीति, इसी पर जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम राम। और जी क्या हाल है जी? बढ़िया जी, आप सुनाओ। राजनीति चालू हो गई कपिल गुर्जर के नाम पे, आप किस तरह से देख रहे हैं जी? नहीं, ये गलत है जी, उसके साथ में, उस बच्चे के साथ में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इनका कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है इनका किसी प्रकार का भी, और ये भैंस का काम है इनका। अब वो कैसे गया लड़का, कैसे नहीं गया, किसके बहकाव में आया। समर्थन में भी बहुत तमाम लोग उतर आए हैं, बीजेपी उनके समर्थन में है, वहीं कांग्रेस ने तो उन पर आरोप लगा दिया, आतंकवादी तक कहा। आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देना चाहिए? ये गलत किया उन्होंने, जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है, ठीक है जी। और वो राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके पिताजी खड़े हुए थे अब से 3-4 साल पहले, अगर आपके साथ मेरा ही फोटो खिंच जाए तो मैं राजनीति में नहीं आता। हर आदमी आता है, अब हमारे गांव में हर आदमी आता है, हर कैंडिडेट आ रहा है और माला पहनाता है, सब कुछ करता है, और उसके सामने हम फोटो खिंचवा ले तो हम राजनीति में नहीं है। हम तो किसान आदमी है, गाय भैंसन के हमारे काम है, दूधों के हमारे काम है। तो ये सरकार जो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है वो गलत लगा रही है, वो बच्चा इस प्रकार में नहीं है, किसी प्रकार में नहीं है वो। आप बताइए सर। कपिल सही है, फर्स्ट क्लास है, जो भी किया अच्छा किया उसने, जो भी किया बढ़िया किया। और अब जिस तरीके से कांग्रेस की रागनी नायक हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो एक टीवी के मंच पे उन्हें आतंकवादी तक कह दिया। गलत बोल दिया, गलत बोला है जी? गलत बोला, वो तो सीधा बच्चा है, आतंकवादी क्यों है, सीधा बच्चा है, सीधे लड़का है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो राजनीति के ऊपर से नाम ले रहे हैं, कोई भी जो है राजनीति कर रहे, या भाजपा हो या कोई भी हो, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़का था दूध का काम करा, डेयरी काम करता था, और जो इसने वहां पर कदम उठाया है, अपना उठाया था और रिश्तेदारी में जाता था, रास्ता जाम मिलता था, वो उसके ऊपर इसने वो करा है, और इसमें कोई राजनीति नहीं है ना कुछ है। और जो वहाँ हो रहा शाहीन बाग तो सबको पता है, पूरी पब्लिक परेशान है वहाँ पर। किस तरह से देख रहे हैं जो शाहीन बाग में जो सब कुछ हो रहा, लगातार सड़क वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा, देश के ऊपर भी और पब्लिक के लिए भी। आदमी जाम में फंसता है, कितना नुकसान हो रहा है डीजल पेट्रोल का, 4-4 घंटा में आदमी पहुंचता है वहां पर। तो ये तो हटाने चाहिए वहां से, सरकार को खुद हटाने चाहिए वहां से, कि भाई रोड के लिए उनको धरना देना था, साइड में बैठ कर धरना दीजिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। उन्ना उनके कह रहा कि आप मत करो प्रदर्शन, कोई भी कर सकता, साइड में करो, रोडों को जाम मत करो, आम पब्लिक नहीं होनी चाहिए। और ये वहां पर इतना हो रहा है, इतना खाना आ रहा, कहां से आ रहा है उनके लिए, ये राजनीति वाले कर रहे हैं आपस में और कोई नहीं है। इस बार चुनाव है, 8 तारीख को मतदान डलेंगे, तो क्या मन बनाया जी आपने? मन तो अब अलग हो रहा है, पहले केजरीवाल क्लियर था, मुश्किल है टक्कर दोनों की बरोबर, अब भाजपा की भी और इनकी भी, जो वहां से पाकिस्तान से भी वो आता है इनके लिए, आपके लिए, कि आपको जिताओ मोदी को हटाओ, तो गलत है, तो इसको खंडन होना चाहिए। वो तो जो जिसको देना देश में, जो इसको वोट दे, जो काम करेगा उसको दो। आप किस तरह से देख रहे हैं जी इस बार? देखिए जी, हम तो यही कहते हैं कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को लाना है दिल्ली के अंदर, समझे जी। और ये शाहीनाबाग की बात रही है, और जितनी पब्लिक इतनी परेशान हो रखी है यहाँ पर, इससे ज़्यादा और क्या दुविधा हमारे लिए है। और सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही इनको हटाने के लिए। रामलीला मैदान है, जंतर मंतर है, वहाँ पर धरना धरो, चाहे 6 महीने धर लो, 1 साल रख लो, लेकिन यहाँ पब्लिक इतनी परेशान है, बहुत ज़्यादा इतनी परेशान है कि शायद कह नहीं सकते। कोई बीमार है, गाड़ी नहीं जा सकती, हॉस्पिटल में परेशान, मरीज परेशान, हम परेशान, जा नहीं सकते, हमारे रास्ते हैं। अब वो लड़का उधर दिल्ली में, उसकी सप्लाई भी है कपिल गुर्जर की, है जी, सप्लाई के लिए दिक्कत, जहाँ 1 घंटे का काम है 3-3 घंटे में हो रहा है। तो ये सरकार जो राजनीति खेल रही है, ये गलत कर रही है। ये जो राजनीति, आप शाहीन बाग में जो राजनीति हो रही है, या वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, सड़क जाम है, क्या कहेंगे? लोग बाग परेशान है, कारोबार वाले परेशान है, जिसका धंधा पानी वो परेशान है, ड्यूटी वाला परेशान है। ये धरने की वजह से, धरना देना तो कहीं रामलीला मैदान में जाओ, कहीं खुले पार्क में जाओ, रोड को जाम ना करे। जो कपिल ने वहां जाके किया वो कैसा था? वो परेशानी की वजह से ही उसने किया, क्योंकि वो परेशान था,
जिसका भैंस का दूध काटने का 4 बजे 5 बजे का टाइम है, मेरा दूध नहीं कटा, सप्लाई नहीं होगी तो मैं करूंगा क्या। बार वोटिंग के जरिए किसके साथ जाते दिखाई दे रहे हो? बीजेपी पे जा रहे हो। आपको क्या दिख रहा है भाई साहब? हमें तो बस सिर्फ बीजेपी सरकार चाहिए और कोई नहीं। कपिल गुर्जर ने जो कदम उठाया वो कैसा था? वो बहुत अच्छा था, हम उस पर गर्व है, क्योंकि उसकी एक मजबूरी हो गई थी, वो अपना बिजनेस करता था, जिसको उसको अड़चन आ रही थी उसके बिजनेस में, दूध का काम करता था। जिस दिन ये हमला हुआ इसके ऊपर, पहले उन लोगों ने इसके पास हमला किया है, बाद में इस लड़के ने जो कार्रवाई की है वो सही की है। तो पहले कैसे हमला हुआ था, क्या हुआ था? पहले जब वो दूध की सप्लाई करने के लिए जा रहा था, पीछे से कुछ जो वहाँ पे धरना प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं उन लड़कों ने उसके साथ हाथापाई की। हाँ, उसके बाद उन्होंने जाने नहीं दिया, जाने से रोक दिया। मगर उसका जब दूध का सप्लाई उधर ही है तो वो कहाँ तक, 1-1.5 महीने से परेशान है। जब दूध का बिजनेस उसका है तो अपने दूध के बिजनेस को कैसे चलाएगा, आदमी कब तक भूखा रहेगा? जो दूध जहाँ से लाते हैं उनको भी पैसा देना पड़ता है, घर में भैंसे उनका भी चारा का खर्चा चलाना पड़ता है, मगर वो कहाँ से चलेगा? जब उन्होंने वहां से रोक दिया तो वापस आ गए थे, वापस घर आ गया वो, किसी को कुछ नहीं बताया, पता नहीं वो टेंशन में कैसे गया कैसे नहीं गया। शाम को जब पता चला बाद में कि वहां पे ऐसे ऐसे घटना घट गई है, हमें टीवी के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से पता चला कि वहां पे कपिल गुर्जर के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। आप उनके कदम को सही मानते हैं? हम उनके कदम को बिल्कुल सही मानते हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना, मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ हो रहे वहां पर, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे क्षेत्र में ये साइन बाग में ही मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन क्यों दिया है। स्थाई जो दादा लाई मुसलमान रह रहे हैं उन लोगों को क्यों परेशानी नहीं है? ये लोग वो हैं जो हमारे इंडिया में घुसपैठ करके आ गए हैं, जो दूसरे तो समाज उनको सेवा कर रहे हैं। जैसे अभी कपिल गुर्जर जी ने, हमारे भैया ने बहुत अच्छा किया है, अब आम आदमी पार्टी के ने बोल दिया कि ये तो एक आतंकवादी है, गुर्जर आतंकवादी कैसे हो जाएंगे? अपने हक के लिए दुनिया करती है, उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या उसने कुछ भी कर दिया, बच्चे ने जो भी गलती हुई है, इसका मतलब थोड़ी गुर्जरों को आतंकवादी ठहरा देंगे? कांग्रेस ने सवाल उठा दिए, गुर्जर आतंकवादी हो गए क्या? हाँ, कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी ने भी, दोनों ने आतंकवादी घोषित कर दिया। अपनी आत्मरक्षा करने के लिए ऐसा अगर बच्चे ने कर भी दिया तो क्या अपने इंडिया में हम आतंकवादी हो गए? वो आतंकवादी तो वो लोग हैं जो 1 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, एम्बुलेंस को नहीं जाने देते, किसी की बहन बेटी को शाम को जाने नहीं देते, लड़कियां कॉलेज की उनको छेड़ते हैं, मगर लड़कियां उस बात को दबा जाती हैं, तो ये बहुत गलत है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब जिस तरीके से लगातार 60 दिन होने वाले हैं, कार्रवाई का वक्त आ गया क्या? पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लिया जाएगा तो ऐसे कपिल गुर्जर जैसे और बहुत नए नए लड़के निकल के आएंगे, लोगों को परेशानी। अगर इनको धरना प्रदर्शन देना, जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, वहां पे जाइए, वहां पे जाना चाहिए इन लोगों को, जहां पे स्थायी जगह बनाई हुई है इन लोगों को वहां पे जाना चाहिए। गुर्जरों पे सवाल उठे हैं तो आगे आप गुर्जर किस तरीके से जवाब देंगे जी? गुर्जर सारा इकट्ठा हो जाएगा जी, पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा। दिल्ली में हमारे बहुत गांव है, कम से कम 60-70 गांव है, पूरी दिल्ली घेर रखी है गुर्जरों ने। जब ऐसा बच्चे के साथ में अनर्थ होगा तो क्या गुर्जर इकट्ठे नहीं होंगे? और गुर्जर को आतंकवादी बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? ये जो हमारे दादा परदादा पहले कभी चले आते थे, 1500 साल पहले गुर्जर ही लड़ता था, फौज में भी गुर्जर ही लड़ता था, आज भी देख लो गुर्जर और जाट ही लड़ते हैं हर एक उसमें। ये थोड़ी है कि आज गुर्जर आतंकवादी हो गया, कैसे हो जाएगा? इनके कहने से हो जाएगा? नहीं हो सकता। और वाकई ये वक्त आ गया कि अब इकट्ठा होना पड़ेगा। हाँ जी, इकट्ठा होना पड़ेगा अब तो जी। और जो दिल्ली है, दिल्ली हकीकत में गुर्जरों की दिल्ली थी, पहले राजा गुर्जर ही रहते थे, और दिल्ली में सबसे ज्यादा गुर्जर है, और देश में भी गुर्जर बहुत है। और आज तक गुर्जर ने कोई मांग नहीं करी सरकार से, किसी से कुछ ना करी, सब में उस पे है, और ये आरोप लगा रही है जो पार्टी कोई भी है, ये गलत लगा रही है सब पे। तो कोई ऐसे जवाब दिया जाएगा? जवाब दिया जाएगा इसका जी, कांग्रेस को भी और आपको भी, दोनों को जवाब देंगे। इसमें बीजेपी साथ खड़ी है, उसको हम बोलेंगे नहीं कुछ भी, जवाब उन्हीं तरीके से देंगे। हम सारे गुर्जर एक होंगे, अभी तक मीटिंग होगी चुनाव के बाद में, फिर हम देंगे जवाब इस बात का जी। बीजेपी हमारे साथ नहीं खड़ी, हम बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि हमारे देश के भविष्य को बनाएगा। बाकी हमें ये चीज नहीं चाहिए कि हमें 200 यूनिट बिजली की फ्री चाहिए, या बस हमें महिलाओं के लिए फ्री चाहिए, हमें ये सब चीज नहीं चाहिए। हमें खाली दिल्ली का विकास चाहिए।
इससे तो हमारा बजट और गड़बड़ा जाएगा, दिल्ली कई साल पीछे चली जाएगी। अब कम से कम ये बजट कहाँ से देंगे? केजरीवाल जी अपने घर से तो देंगे नहीं, या कहीं सर्विस करते हैं इतना करोड़ अरबों रुपया वो अपने घर से देंगे। हमारी जो जनता का पैसा है उसी का ये पागल बना के इधर से घुमा रहे हैं, इधर से घुमा घुमा के हमको चूतिया बना के इन्होंने ये काम शुरू किया है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो अब तक हमको ये दुख नहीं था कि भाई किसी पार्टी ने हमारे खिलाफ ऐसा नहीं बोला। जब हमको गुजरों को आतंकवादी बताया गया है आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने भी, हमारे पास वीडियो है जो उन्होंने हमको आतंकवादी किया है। हमारे एक श्रीमान जी हैं जी किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि गुजरों को आतंकवादी कैसे कह सकते हो आप, गुजर को आतंकवादी आपने बोल कैसे दिया, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के नागरिक है और ये हमेशा एक सैनिक की तरह अपनी जान देने के लिए तैयार है। हमारे पुरखों ने जो अंग्रेज थे ना उनको भी टक्कर दी थी, आज हमारा देश हमारे गुजरों की वजह से आज़ाद है। और आने वाले समय में हम तो अपने देश के भविष्य, जो बच्चे नए नए आ रहे हैं, हम सिर्फ मोदी जी का साथ देंगे, वरना हम किसी का साथ नहीं देंगे। हमें ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी से कोई विधायक खड़ा हुआ है नहीं हुआ, हमें उससे नहीं लेना, हमें देश का विकास और दिल्ली का विकास हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आज तक इन्होंने कभी भी गुजरों के खिलाफ या किसी भी जातिवादी के खिलाफ इन्होंने कोई गलत शब्द नहीं बोला। इन्होंने क्या 5 साल से किसी मुसलमानों पर क्या हमला करवा दिया? आज तक भी नहीं करवाया। ये सब जो बैठे हैं जिहादी लोग जो बैठे हैं, यही मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, यही हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। अगर इनको अपनी मांग चाहिए थी तो तरीके से जाते हैं वहां पे। अब ये रोजाना का कम से कम भी 5 लाख 4 लाख रुपया का खर्चा आ रहा है, ये कौन दे रहा है इनको? जो धरना प्रदर्शन पर टेंट का खर्चा आ रहा है, ये सब ये जिहादी लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान में जहर फैलाने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे हिंदू भाइयों में जहर फैला रहे हैं। बस तो देखा आपने, हमने साफ तौर पर जाना कि आखिरकार कपिल गुर्जर का जो गांव है दल्लूपुरा, वहां के लोग क्या सोचते हैं, गुर्जर क्या सोचते हैं, जिस तरीके से उन पर सवाल उठाए गए, उनको आतंकवादी तक का ठप्पा दे दिया गया, उसके बाद गुर्जरों ने कह दिया कि हम इकट्ठा होंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद जवाब देने के बारे में सोचेंगे। आप भी अपनी राय जरूर दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, दल्लूपुरा दिल्ली, हेडलाइन सेंटर।